करनाल से कुछ दूरी पर ऊंचा सवाना में हाईवे पर स्थित पीर बाबा पक्के पुल वाले की मिजार पर आज वीरवार के दिन पूजा अर्चना की गई, जिसमें दूर दूर से लोगों ने पहुंचकर पीर बाबा की मजार पर नतमस्तक हुए। इस मौके पर पक्के पुल पीर बाबा के सेवादार प्रेम सिंह ने बताया कि यहां पर हर वीरवार पीर बाबा की मजार पर देश विदेश से लोग पहुंचकर पूजा अर्चना करते हैं और उन लोगों की मन्नतें भी पूरी होती हैं। उन्होंने कहा कि यह मजार 400 से 500 साल पुरानी है और जिसकी बहुत मान्यता है। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर पीर बाबा की दरगाह पर मत्था टेका और पूजा अर्चना की। कर्ण नगरी करनाल का ऐतिहासिक स्थल पक्के पुल, यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु बड़ी दूर दूर से आते हैं। लगभग 400-500 साल पुरानी यह मजार बताई जा रही है। बड़ी श्रद्धा है लोगों की। NH1 हाईवे पर स्थापित है। इसकी क्या विशेषता है, बड़ी श्रद्धा है यहाँ पर। सेवादार प्रेम सिंह पिछले 15-20 साल से श्रद्धालुओं की सेवा कर रहे हैं। हम उनसे बात करते हैं जी, क्या मान्यता है यहाँ और किस प्रकार के लोग क्या करने आते हैं यहाँ पे? लोग जो अपनी बड़ी श्रद्धा लेके आते हैं जी, हर आदमी की अपनी एक इच्छा होती है कि मैं बाबा से कारोबार के लिए क्या मांगूँ। कोई अपने बच्चों के लिए मांगता है, कोई अपने पोता पोती के लिए मांगता है। तो यहाँ पे पीर बाबा के दरबार में सभी भगत आते हैं और सभी की अपनी मनोकामना होती है। पीर बाबा सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। कितने साल पुराने मजारे? 400-500 साल पुरानी मजारे है जी, जो आज के टाइम में इतनी है कि पीछे जेठ साढ़ के मेले लगे थे कि लोग जो है 5-6 घंटे लाइन में खड़े होकर मत्था टेकने के लिए आए। इसके बारे में कोई बड़ी किंवदंती है, जैसे कि इसकी मान्यता है यहाँ पर एक बार नदी की खुदाई हो रही थी। हाँ जी, कभी यहाँ पे नदी की खुदाई, उससे खुदाई से पहले है कि कोई फकीर आए थे, वो जिंदा समाने के लिए कुछ टाइम के लिए स्नान करने चले गए। तो दूसरा आज जो फकीर की जिंदा समाधि है हमारे यहाँ पे, वो बोले कि आज आप समा रहे हो ये पब्लिक बतली कर रखी है, अगर टाइम नहीं हो तो जल्दी करो। तो उस फकीर ने कहा कि भाई तेरे को समाना है तो तू समा जा। तो उन्होंने उसी टाइम बैठ के और पब्लिक से बोले भाई मेरे ऊपर मिट्टी डालो, मैं समाऊंगा। उन्होंने जिंदा ही प्राण त्याग दिए यहाँ पर, नाना बाबा के नाम से समाधि है। तो अब किस प्रकार की सेवाएं चलती हैं यहाँ? सेवाएं तो ये है जी, सभी अब अपनी दिल से मनोकामना मांग रहे हैं बाबा, तो जो चढ़ापा चढ़ा रहे हैं, जिसकी जो इच्छा होती है, जिसका जैसा कारोबार उस हिसाब से लोग बाबा में चलते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।